वाहिद बिजापुरे यांचं आवाज घुमला मुंबईत, पहा नेमके प्रकरण। याबाबत मिळालेली अधिक माहिती अशी की दिनांक 24 एप्रिल टिळक भवन मुंबई येथे महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसच्या वतीने कार्यकारिणीची मीटिंगाचे आयोजन करण्यात आले होते। सदर मीटिंग हे नव्याने महाराष्ट्र युवक काँग्रेस आघाडीमध्ये जे निवडून आले होते त्यांचे पदग्रहण व काँग्रेस पक्षाच्या मोर्चा बांधणीकरिता मीटिंगाचे आयोजन करण्यात आले होते। सदर मुंबई येथे महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेस पदग्रहण सोहळ्यात महाराष्ट्राचे राज्यमंत्री डॉक्टर विश्वजीत कदम, अखिल भारतीय युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष बी व्ही श्रीनिवास, अखिल भारतीय युवक काँग्रेसचे प्रभारी कृष्णा हवेनवरू, काँग्रेसचे युवा नेते कन्हैया कुमार, महाराष्ट्र प्रदेश युवक अध्यक्ष कुणाल राऊत, आमदार जिशान सिद्दीकी, महाराष्ट्र युवक काँग्रेसचे उपाध्यक्ष शिवराज मोरे, शरण पाटील, अनिकेत म्हेत्रे, महाराष्ट्र प्रदेश NICU चे अध्यक्ष अमीर शेख, महाराष्ट्र प्रदेश युवक सरचिटणीस शिवानीताई वडेट्टीवार, शीतल डोके, विजयसिंह चौधरी यांसह काँग्रेस पक्षाचे अनेक दिग्गज नेते हे या पदग्रहण सोहळ्यात आपली उपस्थिती दर्शवले होते। यावेळी महाराष्ट्रातून आलेल्या काँग्रेसचे युवक अध्यक्षांचे मते जाणून घेण्यात आले। त्यावेळेस सोलापूर शहर मधले युवक अध्यक्ष वाहिद बिजापुरे यांनी काँग्रेस नेत्यांसमोर आपले विचार व्यक्त करत म्हणाले की माझ्याकडे 5,000 जागा आहे, सदर जागेमध्ये मी कामगार, कष्टकरी, गोरगरीब, वंचित वर्गांसाठी काहीतरी उद्योग सुरू करण्याचा विचार करत आहे, त्याला आपण हातभार लावावे व तसेच काँग्रेस पक्ष हे बळकट करण्यासाठी माझ्यावर 20 नव्हे तर 50 गुन्हे दाखल झाले तरीही 72 अशा शब्दात वाहिद बिजापुरे यांनी आपला आवाज मुंबईत घुमावला। पहा सेक्युलर पार्टी जो हमारे नेता अमरनाथ मंदिर का ही शिंदे सोलापुर शहर मध्य के MLA है, उनका कार्य का काम देख के मैं कांग्रेस पार्टी में प्रवेश हो गया। कांग्रेस पार्टी में प्रवेश होने के बाद हमारे सोलापुर शहर मध्य के युवक अध्यक्ष मेरे को चुना गया, हमारे कुणाल दादा, हमारे नेता अमरनाथ मंदिर का ही शिंदे। मैं भरोसा देता हूँ कि आपको मैं 20 नहीं 50 केसेस होंगे, मैं पार्टी के लिए काम करूंगा, लोगों के बीच में जाऊंगा, मैं लोगों के जैसा नहीं कि उसके ऊपर जाऊंगा तो गुनाह दाखिल हो जाएगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है सर आपको कुणाल दादा, मेरे यहाँ पे सोलापुर शहर मध्य में लोगों में एक पीढ़ी बनाते ना गरीब जनता है, मैं मेरे तरफ से मेरी एक जगह, एक 5,000 जगह है, मैं यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा हूँ, पर खाली आपकी मदद मेरे को कौन से दुआ से कंपनी से मेरे को लोगों के या कपड़े सीने के लिए या हर चीज मेरे को तुम मदद करेंगे कुछ भी नहीं, खाली कंपनी से मेरे पैकेज करके तो लोगों की रोजगार चला दे। मैं युवक अध्यक्ष के नाते मैं इतना काम करूंगा सर, आपका नाम बढ़ाऊंगा, राहुल